नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको राहु 10th हाउस में हो तो क्या क्या फल देता था ये बताया था। आज आपको राहु लाभ भाव में, एकादश भाव में हो तो क्या क्या फल देगा बताता। कुंडली के एकादश भाव को लाभ भाव कहते हैं। 11th हाउस से मित्रता, इच्छाएं, मनोकामना पूर्ति, मान सम्मान, बायां कंधा, बायां कान, बड़ा भाई, चाचा, बुआ, इच्छा पूर्ति, पुत्र वधु, सुख समृद्धि, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, धन कमाने की क्षमता और सभी प्रकार के लाभ का विचार करते हैं। ये लाभ भाव। राहु एक छाया ग्रह है। राहु गैर परंपरावादी, गैर सामाजिक है। राहु से पाखंड, कपट, धनी, नीच लोगों से मित्रता का विचार करते हैं। राहु नास्तिक है। राहु पाखंडी है। राहु जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। राहु सदैव दूसरों की बुराई करने वाला होता है। राहु से छल कपट, चोरी, डकैती, नीच कर्म, पाप कर्म, राजनीति, वैश्यवृत्ति, जुआ, शराब, भ्रामक तर्क, विदेशी भाषा, गंदी भाषा, स्किन डिजीज, चेचक, हैजा, विष, जहर का विचार भी किया जाता है। राहु शनिवत है, लेकिन दो ऐसे गुण हैं जो राहु के अतिरिक्त किसी भी ग्रह में नहीं है। राहु शनि के समान फल देता है, लेकिन दो विशेष गुण। पहला अचानक फल देना। राहु शुभ फल देता है या अशुभ फल देता है, जो भी देता है अचानक देता है। दूसरा विस्फोट करना, यानी कि फल देने की कोई लिमिट नहीं होती है। बहुत अच्छा फल दे या बहुत बुरा फल दे, बहुत अधिक देगा। एकादश भाव में राहु हो तो जातक को अनैतिक कार्यों से, इलीगल तरीके से धन का लाभ होता है। राहु गैर परंपरावादी, गैर सामाजिक कार्य करवाता है। जातक सफल रणनीति बनाने में कुशल होता है। समाज में यश प्रतिष्ठा भी होती है, मान सम्मान भी होता है। राहु धन कमाने में थोड़ा निर्लज हो जाता है, यानी कि धन कमाते समय वो अच्छा या बुरा नहीं देखता है। धन कमाने के लिए नैतिकता का ध्यान नहीं रखता है। 11th हाउस में राहु शत्रु पर विजय दिलाता है, लेकिन जातक का मित्रों से, बड़े भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होते। ये मित्रों से, बड़े भाइयों से कभी भी अचानक विश्वासघात कर देता है। मित्रों से, बड़े भाइयों से संबंध हमेशा खराब ही रहेंगे। राहु छाया ग्रह है। जो होता है वह दिखता नहीं है, जो दिखता है वह होता नहीं है। जब मित्रों से, भाइयों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, तभी वो विश्वासघात करके धोखा देता है। ऐसा जातक अपने मित्रों से, सगे संबंधियों को त्याग कर पराए व नीच लोगों से संबंध बनाता है। जातक काला बाजार से, मुनाफेखोरी से, चोरी से, स्मगलिंग से, रिश्वत से, फिरौती से धन कमाता है। ऐसे लोग धन हड़पने में पीछे भी नहीं रहते हैं। जातक दीर्घायु होता है, धनवान होता है, युद्ध में, मुकदमे में विजयी होता है। जातक बुद्धिमान परंतु मक्कार और कपटी होता है। वह जोखिम भरे कार्य करता है। 11th हाउस का राहु धन का लोभी, सुख की चाहत रखने वाला होता है। जातक की शिक्षा अधूरी रहती है। शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं और रुकावटें आती हैं। 11th हाउस का राहु जातक को स्वार्थी मित्रों से भी कष्ट दिलाता है। संतान के लिए प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। संतान को कष्ट होता है। संतान को कोई ना कोई रोग जरूर होता है। जातक के बुरे कर्मों के कारण संतान को कष्ट होता है। संतान का जीवन साथी भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोग यदि उच्च पद पर हों या महत्वपूर्ण पद पर हों तो रिश्वत या कमीशन लेने से भी नहीं चूकते हैं।
और जीवन में एक बार पकड़े जरूर जाते हैं, जहाँ तक उच्च स्तर का लालची व स्वार्थी होता है। जातक की आय जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से हानि भी होती है। ऐसे लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं लेकिन उनकी सोच, उनके विचार नेगेटिव होते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं। राहु की तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। राहु की पांचवी दृष्टि थर्ड हाउस पर होती है। थर्ड हाउस पर राहु की दृष्टि के कारण जातक साहसी पराक्रमी होता है। जातक में रिस्क पावर अधिक होती है, दुस्साहसी होता है, अपनी मेहनत के बल पर धन लाभ प्राप्त करता है, लेकिन भाई बहनों से संबंध खराब रहते हैं। जातक ट्रैवलिंग भी बहुत करता है। राहु की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होती है। शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, अक्सर गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। संतान पक्ष से दुखी रहता है, संतान को कष्ट होता है। यदि किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पंचम भाव पर हो तो संतान दूर चली जाती है, संतान से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। राहु की नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होती है। जातक कामी स्वभाव का होता है। जातक को वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, पति पत्नी में कलह कलेश रहता है। जातक नीच लोगों की संगति को अधिक पसंद करता है। पार्टनरशिप भी मल्लेच्छ लोगों से होती है, जिससे कई बारी धन हानि भी होती है। नमस्कार।